आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल्स के बारे में, जो एचटीएमएल का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है एचटीएमएल में? तो एचटीएमएल में हमने सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन, एचटीएमएल के बारे में हमने जाना था। पहला जो सेशन था उसके अंदर, दूसरा जो सेशन था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स, लिस्ट ठीक है। फिर तीसरा जो सेशन था उसके अंदर हमने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। चौथे सेशन में हमने इमेज किया था, इमेज और पांचवे सेशन में हमने नेविगेशन नेविगेशन किया था, जिससे हम लोग लिंकिंग लिंकिंग या एंकर या ऐसे ही टैग हमने सीखा था। इसमें सिर्फ एक ही टैग थी, ए टैग, जो कि हम लोगों ने कवर किया है। आज का जो सेशन होगा वो होगा आपका टेबल, और उसके बाद जो सेशन होगा वो फॉर्म होगा आपका फॉर्म। दैट्स इट, ये आपका टोटल है जो हम लोग सीखने वाले हैं HTML 4 में। आई फ्रेम भी होता है इसके अंदर, लेकिन हम लोग आगे की इसमें कवर कर लेंगे उसे, आई फ्रेम। सो आज हम लोग टेबल डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में हम लोग फॉर्म डिस्कस करेंगे, एंड लगभग मान लीजिए वेनसडे को, डिपेंड ऑन यू, हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं सेशन को। तो वेनसडे से हमारा CSS2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, CSS2। इसके लिए आपको 7 सेशन की जरूरत होगी, यानी कि नेक्स्ट वीक जो है CSS पे चला जाएगा। CSS में हम लोग कुछ टॉपिक सीखते हैं, और उसके बाद होंगे आपके प्रोजेक्ट्स, बेसिक वाले जो प्रोजेक्ट है, आपको आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये महीने के जो नेक्स्ट वाला मंथ होगा उसके 7th से लगभग आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और वो चलेंगे 1 वीक तक लगभग। और फिर जैसे ही आपका ये CSS2 होगा खत्म, उसके बाद CSS3 आपका स्टार्ट होगा, HTML5 आपका स्टार्ट होगा, और CSS3 जो है वो भी गोल में आ जाएगा प्रोजेक्ट के बाद। साइड बाय साइड जैसे ही यहाँ पे जो नॉन वर्किंग पीपल है, जैसे HTML5 स्टार्ट होगा, लगभग मैं डेट दे देता हूँ आपको, लगभग मान के चलिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट के लिए आपके मेंटर ही सब हैंडल कर लेंगे, तो लगभग 10 तारीख के आसपास, या पहले या उसके बाद में थोड़ा 1-2 दिन, 10 तारीख से आपका HTML5 और मॉर्निंग में 8 बजे आपका शुरू होगा जावास्क्रिप्ट। तो ध्यान से सुनिए कि जावास्क्रिप्ट, ये जिनको क्विकली जॉब पे जाना है, जिन्हें फास्टली जॉब पे करना है, जॉब करना है, तो हम लोग 3 महीना में पूरा ट्रेनिंग कवर कर लेंगे। क्या क्या कवर करेंगे? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट या एंगुलर, ये 4 चीजें बहुत बढ़िया से होगी। इसके अंदर एडिशनली बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे कि जेक्वेरी, अजैक्स, ये छोटे छोटे टॉपिक होंगे जो मैं मोस्टली सैटरडे संडे आपके कवर करा दूंगा एक स्पेशल सेशंस में। बूटस्ट्रैप, ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिजाइनिंग में। फिर उसके बाद आपके डेवऑप्स के टूल्स होते हैं, जैसे कि गिट एंड गिटहब, AWS क्लाउड, जेनकिंस, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो वन बाय वन करके आपके टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारा ट्रेनिंग का टारगेट है 3 मंथ में हम लोग कवर करें, और 3 मंथ जो है वो आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया जाएगा, जहां पे आप प्रोजेक्ट पे रियल लाइव रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे, ठीक है। तो आपको एक तो ट्रेनिंग भी होगी, लर्निंग भी होगी, और रियल टाइम प्रोजेक्ट होगा। तो टेंटिव जो एक डिसाइड किया हुआ है, साइड बाय साइड जो 8 AM वाले लोग जो होंगे वो प्रोजेक्ट के लिए, इंटर्नशिप के लिए, रियल टाइम इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होंगे, और जो वर्किंग है, एज ऑफ नाउ ऑलरेडी वर्किंग है, उन लोगों के लिए कंटिन्यूअसली इवनिंग की ही बैच चलेगी, वो लोग वही ज्वाइन कीजिए। जावा जो होता है, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट में जमीन आसमान का फर्क है। जावा जो है वो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए प्योरली यूज की जाती है, और जावा स्क्रिप्ट जो है वो बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, दोनों भी एरिया के लिए। तो वही लोग जावा करने वाले हैं, जो इस सेशन के ठीक बाद रहेगा, वही लोग जावा करेंगे,
जो बैकएंड डेवलपमेंट करने वाले हैं डायरेक्टली, मतलब उनको फ्रंट एंड नहीं करना है, बैकएंड डेवलपमेंट यूजिंग जावा, ये बहुत टफ पड़ेगा। मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूँ, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि मान लो आपकी एग्जाम है 5 सब्जेक्ट पे, ठीक, ठीक 5 सब्जेक्ट पे है, पास आप इस पे भी होंगे और दूसरे है 10 सब्जेक्ट पे और पास इसमें भी होंगे, तो कौन सा आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, 5 सब्जेक्ट सब्जेक्ट, पास होके या 10 सब्जेक्ट लेके? नहीं सर, फाइव सब्जेक्ट, फाइव सब्जेक्ट। ठीक है ना, यही सेंसेबल है और बुद्धिमानी की बात ये है। जो लोग जावा करेंगे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, अगर फुल स्टैक में अभी वो जावा लेते हैं तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द इंटरव्यूज बिकॉज जावा बहुत डेप्थ में जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि आप अभी फ्रंट एंड कर लीजिए, अब आपने ठाना है कि नहीं मुझे बैक एंड जावा ही करना है तो कीजिए बेशक, लेकिन अभी ना करें, अभी आप फ्रंट एंड कर लीजिए, जावा स्क्रिप्ट सीख के, एंगुलर या रिएक्ट सीख के, एचटीएमएल सीएसएस, और जॉब पे लग जाइए। 3 महीना फ्रंट एंड कीजिए, जॉब पे लगिए 3 महीना प्रैक्टिस करके, 6वें महीने में जॉब पे लग जाओगे आप, जॉब पे 1-2 महीना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना जॉब पे, और फिर बैकएंड का कोर्स यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना। अगर आपको जावा चाहिए तो जावा, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट से चाहिए नोड जेएस एक्सप्रेस, तो उसे आप कर सकते हो। तो ये इजिएस्ट वे है, मतलब इंटरव्यू के लिए आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, तो ये चीज है। और जो लोग जावा, उनके लिए जावा उनको सीखना किनको जरूरी है, जिन्हें ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है उनके लिए ये चीज मैंडेटरी है, और जो जिनको ऑलरेडी बैकएंड फ्रंट एंड आता है और दे वांट टू डू या पहले से कोई काम कर रहे हैं बैकएंड डेवलपमेंट में और उनको आगे एनहेंस करना है बैकएंड डेवलपमेंट का एरिया, तो वो जावा कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं या नॉन आईटी में हैं और आपको क्विकली जॉब चाहिए तो सिर्फ फ्रंट एंड करके जॉब कर लीजिए। सर जावा कौन पढ़ाएगा? जावा राहुल सर पढ़ाते हैं। ओके ठीक है, 9 से 10 के बैच है उसमें, अगर आप इतना 10 सब्जेक्ट लेके पास होना चाहते हो तो दैट इज योर चॉइस, बट देन अगेन इशू हो जाएगा, इंटरव्यू करते करते तकलीफ जाएगी क्योंकि कोर जावा, एडवांस जावा और स्प्रिंग बूट, उसके साथ बहुत सारी कंसेप्ट भी पढ़नी होती है, तो बहुत ज्यादा। मैंने यहाँ पे समझने के लिए 10 किया सर, लेकिन मैं लिखूंगा तो तो 15 भी करूंगा ऐसा है। हाँ सर तो सीएसएस पढ़ने के बाद फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा ना? नहीं, डिजाइनिंग क्रिएट कंप्लीट हो जाएगा दोस्त, देखो जैसे कि एचटीएमएल और सीएसएस पढ़ोगे तो दैट इज अगर डिजाइनिंग, मतलब सिर्फ एक ढांचा तैयार होगा उसके अंदर एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर में ओके ओके, कन्वर्ट करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट द और ड्यूओ। उस नहीं डेवऑप्स नहीं, जावास्क्रिप्ट आपको करनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट करना पड़ेगा और उसमें से कोई भी एक रिएक्ट या एंगुलर, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, इनमें से कोई भी आपको एक करना पड़ेगा तब आप फ्रंट एंड डेवलपर कहोगे। देखो फ्रंट एंड डेवलपर में 2 पार्ट है, एक डिजाइनिंग वाला पेज है जिसमें आप सिर्फ HTML एंड CSS से डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है, दूसरा पेज होता है आपका डेवलपमेंट वाला जिसे आपको करने के लिए जावास्क्रिप्ट और इनमें से कोई भी एक फ्रेमवर्क रिएक्ट या एंगुलर, ऐसे दो दो हिस्सों में समझने के लिए सिंपल बांटा है मैंने, डिजाइनिंग के लिए HTML एंड CSS एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए आपको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें या रिएक्ट लाइब्रेरी या एंगुलर फ्रेमवर्क, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। टोटल टाइम कितना जाएगा सर एक कंप्लीट होने में, फ्रंट 6 महीना एंड पकड़, के लिए? 6 महीना फ्रंट एंड जॉब तक के वर्किंग लिए, के लिए, 6 महीना, वर्किंग छह प्रोफेशनल अगर, महीना ठीक वर्किंग प्रोफेशनल है तो है। वर्किंग के लिए तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बट अगेन आप कितना टाइम दोगे नॉन ये आईटी इसके ऊपर डिपेंड है, नॉन आईटी है और आप कितना टाइम दे रहे हो इसके ऊपर डिपेंड है, 6 महीना मैक्सिमम है इसके ट्रेनिंग का पॉइंट्स, तो आपको उसने में कवर करना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप इंटर्नशिप नहीं करोगे, कंटिन्यूअसली लर्निंग करने वाले हो, ठीक है। चलिए, तो आज का जो सेशन है आई होप कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे कि जावा करे जावा स्क्रिप्ट करे, ये चीजें
बहुत सारे लोगों की जब मैं जावा के ग्रुप में ऐड कर रहा था। तो एनी अदर क्वेश्चन जो डिफिकल्टीज फेस हो रही है कि अभी भी किसी को क्या जावा स्क्रिप्ट करना है या जावा है, ऐसा कोई कंफ्यूजन है? आई बिलीव नो। लेट्स स्टार्ट नाउ टुडे सेशन। आज का सेशन है टेबल और हम लोग कवर करने वाले हैं टेबल के लिए। तो टेबल एक नथिंग बट आप लोग जो भी इस तरह से गूगल पे जो ऐसे इस तरह से डेटा जो फॉर्मेट में देखते हो, जैसे ऐसा बॉक्स है इसके अंदर ऐसे रोज है पेजेस पे, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? लाइन हाँ, तो यहाँ पे देखो इस तरह से ऐसे टेबल फॉर्मेट होता। सर क्या हुआ? मैं बोला था कि लाइक एक्सेल सीट। हाँ, एक्सेल शीट के जैसा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपका नेटवर्क का इशू है शायद से, तो आवाज नहीं आ रहा। तो ये ऐसा टेबलर फॉर्मेट में अगर आपको डेटा एचटीएमएल में दिखाना है तो उसके लिए आपको टेबल का ही इस्तेमाल करना है। और टेबल में क्या क्या होता है, ये जो हॉरिजेंटल होती है इसे ना हम लोग जो नॉन आईटी वाले हैं उन्हें थोड़ा सा अगर डिफिकल्टी, हॉरिजेंटल ये वाली जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं रो, इसे कहते हैं रो। और ये जो वर्टिकल होता है, एक एक बॉक्स जो होता है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉलम कहेंगे, कॉलम कहते हैं। क्या आपको ये क्लियर है कि ये सीधा वाला जो होगा वो कॉलम है और ये जो लाइन से कितनी रोज है, मुझे गिन के बताओ कितनी बहुत रोज है और क्लियर है कितनी सर। कॉलम? थ्री रोज, थ्री रोज 3 रोज, 3 बाई 3 3 रोज और 5 कॉलम।3 कॉलम। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसको अगर हमें बनाना होगा मतलब ये स्ट्रक्चर को, तो कोडिंग में ना मैं आप लोगों को एक और बहुत सिंपल, इट इज अ वेरी वेरी इजी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो ये रो के लिए ना हमें एक छोटी सी टैग इस्तेमाल करनी पड़ेगी। रो के लिए हमें लेना होता है TR, TR का फुल फॉर्म होता है टेबल रो। और कॉलम के लिए हमें थोड़ा सा अलग लेना होता है, T फॉर टेबल, D फॉर डेटा। ये लेते हैं टेबल डेटा कॉलम बनाने के लिए। और जब हम लोग इसे बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे मैं आपको ड्रॉ कर करके बता देता हूँ। अगर ना अगर हमें 3 रो और 3 कॉलम बनाना है, छोटा एक बॉक्स बना लेता हूँ। सबसे पहले देखो मैंने एक बॉक्स बना लिया ऐसे, तो ये बॉक्स जो है इसे कहते हैं हम लोग टेबल। जो बड़ा सा बॉक्स रहेगा ये रहेगा हमारा टेबल। तो ये कैसे लिखते हैं देखो, मैं साइड बाय साइड इसकी कोडिंग भी करते जा रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे हम लोग इसे। मैं इसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इसे डाल देता हूँ, है ना। इसे करने के लिए आपको अभी करना होगा टेबल वाली चीजें जो हम लोग करेंगे। तो टेबल करने के लिए आपको क्या करना है, क्या टैग है इसकी? तो आपको लिखना है टेबल, ये बड़ा सा बॉक्स करने के लिए आपको लिखना है टेबल। और जानबूझ के मैं थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ इसे ताकि हमें जगह मिले। तो ये टैग ओपन और क्लोज टैग क्या बनाएगी, ये बॉक्स स्टार्ट और ये बॉक्स एंड। तो हमें यहाँ पे कितनी रोज बनानी है कोई बता सकता है? हमें 3 बाय 3 रो बनानी है, तो कितनी रोज लेनी है हमें? TR क्लोज, ये कितनी रोज हो गई? एक रो हुई, फिर TR ओपन और TR क्लोज, कितनी रो हो गई मेरे पास अभी बताइए? दो 2 रो हो गई, TR स्टार्ट और TR जो है क्लोज। इस तरह से मैं कोड कर लूंगा, ठीक है, बस हो गया मेरा ये। लेकिन इसके अंदर अभी एम्प्टी रो है, मतलब सिर्फ रो बनी है, इसके अंदर हमने कॉलम अभी तक डाले नहीं। तो कॉलम डालने के लिए हर रो के अंदर जो रो बनी है मेरी, इस तरह से मान लो ये तो रो बन चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मैं नोट पैड में लिख देता हूँ मैंने, ठीक है। ये कोड लिखने के लिए नोट पैड का इस्तेमाल करता हूँ। ये टेबल है, टेबल और क्लियर है, ये क्लोज कर देते हैं। तो कितनी 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 TR है मेरे पास, सब बताइए? दो 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 और मुझे 3 चाहिए। अभी देखिए अभी कितने हो गए मेरे पास रो, काउंट कीजिए। तीन जी हाँ, बिल्कुल, दो जस्ट अ मोमेंट गाइस, तीन 1 मिनट।
ठीक है, तो तीन रो हो गई आपके, एक मिनट दे देना मुझे। बोलिए। हेलो सर, मेरी मीटिंग अभी ज्वाइन हुई है। हाँ तो रिकॉर्डिंग देख के आप लोग कवर कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये जो टेबल है, अभी हम लोगों ने क्या किया है कि ये टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया है। टेबल में पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि हमने कोड में क्या किया है। इस तरह से अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसमें तीन रो बन गई है। मान लो ये टेबल से बनेगा और पहली रो बनेगी फर्स्ट जो हमने टीआर डाला उससे, और दूसरी रो जो बनेगी वो सेकंड वाला जो रहेगा उससे बनेगी। तो कितनी रोज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे? तीन दिखनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे भी आपको जो है ना तीन ही दिखाई देगी, ठीक है, तीन ही दिखाई देगी। अभी इसके अंदर मुझे अगर कॉलम डालना है, डेटा डालना है, लेट्स सी कि मैं यहाँ पे अभी पहला जो है वो मैं डेटा डाल देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं आज का जो फर्स्ट कॉलम में जो डेटा है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देते हैं, ठीक है। तो डेटा जो प्रोवाइड करते हैं ना, तो टीआर के अंदर यहाँ पे, टीआर के अंदर जो है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टीडी। क्या लिखना है हमें डेटा के लिए? स्मॉल में लिखो सब, टीडी लिखेंगे। डेटा के लिए हम लोगों ने टीडी लिखा, पहला जो डेटा है वो टीडी लिखा। क्या लिखना है हमें उसमें? पहले कॉलम का जो डेटा रहेगा, हाँ, ये रो जो है, ये रो पहला है, और डेटा भी जो रहेगा, ये कॉलम भी जो रहेगा, डेटा या कॉलम आप एक ही बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं रो और इसे बोलते हैं कॉलम। तो कॉलम वन में मैंने लिया फर्स्ट नेम, तो मैं मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट 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 नेम। चलो ये भी मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया। फिर उसके बाद मुझे दूसरा कॉलम बनाना है, तो दूसरे कॉलम में ना लास्ट नेम यानी आपका जो सरनेम होता है वो ये बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेकंड कॉलम में जो है लास्ट नेम लिख देते हैं, और तीसरा जो रहेगा यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल। तो फर्स्ट नेम, पहला कॉलम जो है फर्स्ट नेम, तो पहला कॉलम जो है ना वो बनाया मैंने टीडी यानी पहला कॉलम। दूसरा जो होगा एक दूसरा टीडी बनाएंगे हम लोग, जिसमें रहेगा आपका लास्ट नेम, और तीसरे इसमें क्या है, तीसरा जो कॉलम है इसके अंदर हम लोगों ने क्या डालना है? ईमेल, ईमेल डालना है। तो इस तरह से आपका जो एरिया है वो बन जाएगा। तो यही जो कोड है मैं आप लोगों को वापस से वीएस कोड में रिपीट करके दिखाती हूँ, ताकि आपका वापस से एक बार रिपीट हो जाएगा सेम वाला कोड। तो इसे भी हम लोग रिपीट कर देते हैं, होप सो कि आप लोगों को ये दिखाई दे रही है स्क्रीन अच्छे से, है ना। तो ये वाले स्क्रीन में मैं एक पेज बना लेता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा टेबल डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे हम सबसे पहले बनाना होता है एचटीएमएल, लेना होता है हेड, हेड के बाद लेना होता है बॉडी, और बॉडी के अंदर जो है हम लोग लेते हैं एक टेबल हम लोग सीख रहे हैं। और अगर आप इसे देखना चाहोगे तो टेबल जो होता है इसे राइट क्लिक करके मैं रन भी कर देता हूँ, ठीक है। टेबल देखो यहाँ पे ना के बराबर है, दिखाई भी नहीं देगा इसे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ
इसे टेबल को मैं दे देता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर की साइज दे दूंगा मैं 1 दे दूंगा। लेट्स सी, थोड़ा सा कुछ तो डॉट दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ये डॉट, ये आपका टेबल है। हाँ ये टेबल है, इसके अंदर मैं कितने टीआर डालने वाला हूँ, 3 टीआर मुझे चाहिए, इसलिए मैंने यानी कि 3 रो चाहिए, इसलिए मैं 3 रो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये कैसे दिखाई देगा, एम्प्टी रो ऐसे दिखाई देती है, फिर भी वही ऐसे ही दिखाई देगी। जब हम उसके अंदर कॉलम ऐड करते जाएंगे ना, जैसे कि टीडी, पहला जो है हमारा क्या है, फर्स्ट नेम, सेव कर लेता हूं मैं, तो देखो दिख गया आपको फर्स्ट नेम। फिर उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट कॉलम ऐड करेंगे, जिसमें होगा आपका लास्ट नेम, इसे कर लेते हैं सेव। तो ये देखो लास्ट नेम वाला भी आ गया, और जो है तीसरा वाला जो रहेगा टीडी ईमेल ऐसे, तो ये ईमेल वाला भी आप देखते जाइए। क्या आपकी पहली रो भर गई है, जैसे कि हमें पेंट में लिखा था उस तरह से आपकी फर्स्ट रो हो गई, आपका रो का काम फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल। अब आपकी रो होगी सेकंड नंबर की रो होगी, इसके अंदर आप डालेंगे जैसे कि नाम डालेंगे केशव, फर्स्ट नेम डालते हैं केशव, केशव बराबर है ये नाम, स्पेलिंग सही है, यस उपाध्याय डबल डी नहीं है, एच वाई ए वाई है ना, ठीक है। और मैं यहाँ पे सीधा test@gmail.com डाल देता हूँ टेस्टिंग के लिए, सब मान लो। तो ये डेटा मुझे डालना है, ये सेकेंड रो है। तो आप जब कोड में जाओगे तो आपकी सेकेंड रो, फर्स्ट रो तो कहाँ पे खत्म हुई, ये फर्स्ट रो यहाँ पे शुरू हुई, फर्स्ट रो खत्म हुई, सेकेंड रो कहाँ पे है आपकी, यहाँ पे आना है सेकेंड रो पे। पहला कॉलम में जो डेटा है, फर्स्ट कॉलम में जो पेंट में आपका डेटा है, क्या नाम डालना है आपको फर्स्ट कॉलम में, केशव डालना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट्स सी केशव, ओ गलत जगह पे डालना है, यहाँ पे आपको लिखना होगा केशव, सेव कर दिया। तो देखो बराबर फर्स्ट नेम के नीचे आ गया क्या आउटपुट में, देखो यहाँ पे आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो कॉलम रहेगा उसके नीचे आपको डालना है, क्या डालना है उसके बाद, उपाध्याय ऐसे है कि ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये भी आ गया आउटपुट, देखिए यहाँ पे उपाध्याय। ईमेल हमें क्या डालना है, तो तीसरा वाला कॉलम हम लोग बनाएंगे, वो रो क्या टीडी test@gmail.com, ये देखिए अभी इसके अंदर जो है हमने बना दिया। तो इस तरह से आपका जो टेबल है, ये टेबल आपका बन जाएगा, इस तरह से आपको टेबल बनाना है। अभी वापस से मुझे और रो, अगर इसके तीसरी भी रो है यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो तीसरी भी रो है यहाँ पे, रो के अंदर आपको डालना है डेटा, दूसरा नाम डाल देते हैं लेट्स सी अश्विनी, अश्विनी बरोबर है ना, अश्विनी स्पेलिंग चेक करूंगा, देखिए अभी एक एक करके। फिर उसके बाद अश्विनी का लास्ट नेम क्या था, आई बिलीव अश्विनी लास्ट नेम क्या है, सर नेम देखो अभी आ गया ये। और तीसरा जो कॉलम है आपको, तीसरा वाला जो कॉलम है ये डालना है test1, या डाल देते हैं engineer@gmail.com। तो अभी आपको यही सीखना है कि आप ऐसे टेबल कैसे बनाओ, बस इतना। तो आपको सबसे पहले जो टैग डालनी है, आपने यहाँ पे सिर्फ 3 टैग सीखी है, कितनी टैग सीखी है, 3 टैग यहाँ पे नई ही सीखी हुई है टेबल चैप्टर में, आपको टेबल चैप्टर में 3, पहली जो होगी वो होगी टेबल, दूसरी जो होगी वो होगी टेबल रो, इसे आप कहते हैं टी आर यानी कि आपका टेबल रो, इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। तीसरी जो होगी वो होगी टी डी जिसे कहेंगे टेबल डेटा, आप कह सकते हो। अगर आप चाहो तो चौथी भी सीख सकते हो, जिसका नाम होता है TH यानी कि टेबल हेडिंग, यानी कि पहली जो रो होती है वो हेडिंग के जैसा थोड़ी सी बोल्ड दिखाई दे, बस इतना फर्क होगा।
अगर आपको ये फर्क देखना है तो आप देख सकते हैं, अगर मैंने टीएच की टीडी की जगह अगर टीएच कर दिया तो क्या फर्क होगा ये मुझे बता देना। तो ये फर्क आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये लास्ट नेम में और फर्स्ट नेम में क्या फर्क दिखाई दे रहा है, बोल्ड बोल्ड दिख रहा है। हाँ, हेडिंग हो गया उसका मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट रो होती है ना, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये हेडिंग है हमारा, तो फर्स्ट रो को हमेशा जो है हम लोग टीएच करते हैं। तो मैंने शुरुआत में क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि टीएच और टीडी का सेम ही काम है, कॉलम ही बनाएगा वो, लेकिन टीएच थोड़ा सा जो फर्स्ट रो को जो है वो थोड़ा डार्क कर देता है, यानी कि बोल्ड कर देता है, ऐसे इसका काम होता है। देखो इस तरह से चलिए। अब इसके बाद आपको जितनी भी स्टूडेंट का डेटा ऐड करना है आप ऐड करते जाइए और काम बनते जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे कि टी आर टी डी, जैसे कि साइली कदम, पहला जो होगा वो साइली, टी डी दूसरा है कदम, और टी डी डेवलपर एट जीमेल डॉट कॉम से। तो देखो एक एंट्री आ गई है ना, फिर वापस से मुझे और एक एंट्री करनी है, तो रो कर लो यहाँ पे, ये टी आर, फिर मैं लिख देता हूँ पहला डेटा जिसके अंदर होगा दयानंद तोड़कर, टी डी तोड़कर एंड टी डी डॉट यू आई एट जीमेल डॉट कॉम सेव कर दो। तो इस तरह से जो है आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा जो है आप सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो और एक हम लोग डेटा बनाएंगे, एक और एक टेबल आप लोगों को बना के दिखा दूंगा मैं, जो कि हम लोग करेंगे एम्प्लॉय का डेटा ऐड करना। ठीक है, सो क्या आप लोगों को इसमें से कोई डाउट है, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, फिर इसके बाद वापस से हम लोग इसे प्रैक्टिस करने वाले। टेबल डेटा अनलिमिटेड ले सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ना, अनलिमिटेड अनलिमिटेड सर, टेबल के साइज को कैसे डिपेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी सीखेंगे, एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम लोग, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, वो भी बता देता हूँ। हाँ, जो किसी को कंसेप्ट समझने में डिफिकल्टी है वो लोग मुझे पूछे कि सर हमें टेबल में टेबल, हाँ समझा नहीं मतलब आप डायरेक्टली मत बोलो कि सर हमें कुछ भी नहीं समझ, हाँ ये बोलिए कि सर मुझे टेबल नहीं समझ में आ रहा है, तो टेबल में टी आर कैसे लेते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, या टी आर में जो डेटा है वो टी डी नहीं लेने आ रहा है, ऐसा स्पेसिफिक बताओ मुझे कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। और वो बाउंड्री क्यों आई, रेड टैग में क्यों आई थी, मतलब हेलो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पूछे, कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। हाँ बोलिए ना सर, वो बॉर्डर वन के बारे में बताओ ना आप। बॉर्डर की साइज जो है ना, हम लोग बॉर्डर की साइज ले लेते हैं, जैसे कि वन टू, उसकी जो विड्थ है आप दे सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं उसको। जो देखो बॉर्डर की साइज ना मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ये देखो अरे भाई थोड़ा सा म्यूट पे चले जाओ आप लोग जिसका इशू है, ठीक है। तो देखो मैंने 10 कर दिया यहाँ पे, तो बॉर्डर 10 करने के बाद क्या हुआ, क्या दिखाई दे रही है आपको इसकी बॉर्डर, दिख रही है ना इसकी बॉर्डर? यस यस सर, हाँ बॉर्डर की जो विड्थ है वो बढ़, बॉर्डर जो है विड्थ तो बढ़ जाएगी। बट सर बॉर्डर रेड टैग में क्यों आई है, मतलब ऐसा क्यों? रेड टैग नहीं, ग्रे टैग है, वो बाय डिफॉल्ट वाला कलर है, हम लोग उसे बाद में चेंज करना सीखेंगे, ठीक है।
ये वाला रेड वाला बोल रहे हो क्या? ऐसा रेड वाला कोड में बोल रहे हो? रेड वाला जो रहेगा, हाँ ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को समझने के लिए रेड में रहते हैं, और टैग जो रहेगा वो हम लोग यहाँ पे ब्लू में ले लेते हैं। ऐसा है जैसे कि विद, और एक एट्रीब्यूट है आपको विद डिफाइन करनी है, जैसे कि डी टी एच, इसकी विद जो है मान लेते हैं आप 400 पिक्सल ले लेते हैं, या अगर परसेंटेज में 50% लेना है आपको तो आप 50% ले सकते हो आपके विंडोज से, आपका जो भी ब्राउजर है उसका उतना 50% आएगा। और अगर आपको इसे सेंटर में करना है तो इसे अलाइन करके आप सेंटर भी कर सकते हैं। ये देखो सेंटर में भी आ गया इसका, है ना, अलाइन सेंटर, इसकी विड्थ जो होगी वो 50%। ऐसे तो ये था आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर टेबल का। तो हम लोग अभी टेबल टू का भी एक एग्जांपल लेंगे। बोलिए कोई क्वेश्चन है सर? वो टेबल में हेडिंग के लिए हमेशा टी एच ही लिखना है क्या, क्योंकि हम नहीं कहिए एच टू एच वन वो भी ये नहीं, ये रो जो है ना, ये जो रो है हाँ, ये जो फर्स्ट रो होते हैं ये हाईलाइट करने के लिए इसे टी एच लिखना है। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कुछ हेडिंग देना है ऐसे एच टू, और जैसे कि टाइम टेबल ऐसे वाला हेडिंग जो है ये हेडिंग अलग है, मतलब ये देखो ये वाला यस, अगर आपको स्पेसिफिकली इसके लिए देना है, टेबल के लिए ही हेडिंग देना है, तो यहाँ पे और एक टैग है जिसे कहते हैं कैप्शन, ये वाला है जो इसके साथ ही रहेगा यहाँ पे, ऐसा होगा यस। ये रो वाला जो फर्स्ट रो होती है उसके हेडिंग से। चलिए तो ये था आपका एग्जांपल जो आप लोगों को टेबल में करना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जो मैं आप लोगों को करके बता देता हूं, तो आप बताओगे मैं करूंगा, ठीक है ना? और आप लोग मुझे बताओगे कि क्या करना है कोड, और मैं एक्सेल शीट में ले लेता हूँ, इसमें ड्रॉ करने के लिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिया मैंने सीरियल नंबर, यहाँ पे लिया सेशन, यहाँ पे लेंगे लेट्स सी ट्रेनर, जैसे कि वन सेशन होगा जावा, होगा ऑफिसर, सर सेकंड सेशन जो होगा वो होगा फ्रंट एंड, ठीक है, तीसरा जो सेशन होगा वो होगा टेस्टिंग ऑटोमेशन, ऐसे। तो इसका नाम मैं एक टेबल बना देता हूँ सिंपल सा, और ये मैं ऐसे बना लिया है यहाँ पे मैंने टेबल। अभी ये टेबल मेरे को आप लोग HTML में कैसे बनाना है ये बता देना। कितनी रो आप लोगों को दिखाई दे रही है टोटल, इसमें कितनी रोज है, ये जो रोज है टोटल कितनी रोज, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल टू डॉट HTML, और यहाँ पे ले लेता हूँ HTML, इसके अंदर लेना है हेड, इसके अंदर लेना है बॉडी, और इसके अंदर लेना है सबसे पहले टेबल को लेना है कितनी कितनी इसके अंदर है रो, चार है तो चार, एक दो तीन और लेते हैं चार, तो चार चीजें हमने यहाँ पे ले ली है। इसके अंदर आएंगे लिखेंगे TD, टीडी में पहले लिखना है मुझे सीरियल नंबर ऐसे, दूसरा मुझे लिखना है दूसरा जो ये वाला थे जैसे कि ये लिखा मैंने, अब इसके बाद सेशन लिखना है, सेशन, फिर तीसरा जो है लिखना है टीडी, तीसरा लिखना है ट्रेनर, ये हो गया, ये हो गया आपका पहला रो। अगर इसे रन करके देखोगे ओपन विथ लाइव सर्वर में तो आप लोग देखो इसके अंदर कोई ऐसे गैप नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही बॉर्डर, तो इसके लिए आपको क्या लेना होता है,
टेबल के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है और उसकी विद आपको डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे विद भी यहाँ पे डिफाइन की है ना, तो ये बॉर्डर आना स्टार्ट हुआ। फिर दूसरी जो रो रहेगी आपकी, दूसरी रो में लिखना है टीडी। क्या है नेक्स्ट डेटा, क्या है इसका बताइए, नेक्स्ट डेटा क्या है? वन है तो यहाँ पे लिखेंगे वन, दूसरा है टीडी तो लिखेंगे जावा, टीडी राहुल सर पढ़ाने वाले हैं तो राहुल सर के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा ये रो खत्म हो गई इसकी, तो नेक्स्ट रो के अंदर चले आ जाते हैं, यहाँ पे कॉलम में लिख देते हैं टू, नेक्स्ट कॉलम यानी नेक्स्ट टीडी, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रंट एंड यानी HTML, और यहाँ पे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरा नाम, ठीक है। तो देखो इसका डेटा है ना, आ रहा है इसका डेटा। और तीसरी जो रो है यहाँ पे लिखेंगे टीडी, तीसरा है हमारा, तीसरा कौन सा है, ऑटोमेशन है। और कॉलम जो है वो कॉलम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से देखो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेट पढ़ा नहीं तो बॉक्स का वेट बॉक्सेस है छोटे छोटे फ्रंट एंड जावा वो बढ़ा देंगे उसके बाद में, हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम उसको बढ़ा देंगे उसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम विद देंगे सेट कर लेंगे। ये ऑर्डर में आ रहा है 1 2 3, हाँ सर, इसमें जो ऑर्डर आ रहा है सर 1 2 3, तो हम इसमें ऑर्डर लिस्ट यूज नहीं कर सकते क्या सर? नहीं, अभी हमें यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट जो है वो स्पेसिफिकली एक सिंगल के लिए रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल कॉलम यूज कर रहे हैं, मल्टीपल रो कर रहे हैं ना, इसके लिए नहीं करेंगे। ओके सर, यहाँ पे आप जैसे कि अलाइन आप कर लीजिए, सेंटर कर लीजिए, लेफ्ट कर लीजिए, ऐसे आप उसे सेट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली रो को सेट करना है क्या वहाँ पे? हाँ, रो पे कर सकते, हाँ रो को कर सकते हैं आप, बट अच्छा वे CSS से हम लोग इसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं, हम लोग HTML का कोई भी चीज नहीं यूज करते। HTML से हम लोग एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल साइज हाइट विड्थ कलर बॉर्डर एवरीथिंग हम लोग CSS से ही हैंडल करते हैं, क्योंकि मोर कन्वीनियंट और मोर यूजफुल होता है इसलिए। ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर अलाइन सेंटर कर दिया है, लेकिन एक्चुअली में रियल टाइम में हम लोग CSS से ही करते हैं, जब हम लोग CSS को सीखेंगे तो उसे कंटिन्यू करेंगे ऐसा। सर, आप एक टैग से दूसरे टैग में जंप करने के लिए डायरेक्ट कौन सा की यूज कर रहे हैं? ये देखो अल्ट दबाता हूँ और टैब दबा देता हूँ, तो वो ऐसे ऑप्शन, हाँ अल्ट दबा के टैब दबा के ऐसे मैं घूम जाता हूँ ऐसे, ये बेसिक वाली चीजें हैं। नहीं तो आप माउस इस्तेमाल करोगे, मतलब ऐसा माउस यूज करोगे तो जैसे कि इस तरह से देखो आप माउस इस्तेमाल, दोनों में मतलब जो भी आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन टेबल, आप